चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, कल हमारा हुमायूं स्टॉम तक हो गया था, आगे देखते हैं। अब हमारे पास आता है मार्टियर्स, डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल 1857 टू 1947। ठीक है, अब हम इसको यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी 150 साल पूरे होने पर, 1857 के 150 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना ये डिक्शनरी बनाने के लिए शुरुआत करी है कि मार्टियर्स की एक डिक्शनरी बनाई जाएगी, और ये डिक्शनरी जो है पूरे 5 वॉल्यूम में प्रिंट होगी। ठीक है, इसमें मार्टियर्स की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक, और ये किसके अंडर में बनाई जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर में। पीएम रिलीज द डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1857 टू 1947। द प्रोजेक्ट फॉर द कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल वॉज कमीशन बाई द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब जितनी भी आपकी जो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है वो इसी काउंसिल के अंडर में की जाती हैं। टू कमेमोरेट द 150th एनिवर्सरी ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857, अपने 1857 के आज़ादी की जो लड़ाई थी उसके 150 साल पूरे होने पर इस डिक्शनरी को इनाग्रेट किया गया। डिक्शनरी हैज़ 5 वॉल्यूम्स विच कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मार्टियर्स फ्रॉम 1857 टू 1947। इसके 5 वॉल्यूम होंगे पूरे, और ये 1857 से 1947 तक के जितने भी हमारे शहीद हुए थे आज़ादी की लड़ाई में सबके पूरी पूरी डिटेल जानकारी दी जाएगी। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इट इज़ एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज एस्टेब्लिश अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इन 1972। तो ये जो ICHR है किसके अंडर में रजिस्टर किया गया, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1872 में। ठीक है, इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब ये जो है ह्यूमन रिसोर्स ICHR जो है किसके अंडर में काम करता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर में क्यों, क्योंकि सारा ये जो काम किया जा रहा है ये एजुकेशनल रिलेटेड है और ह्यूमन को डेवलप करने के लिए किया जा रहा है, तो सारी चीज़ें जो किसके अंडर में काम आती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ICHR इज टू प्रमोट एंड गिव डायरेक्शन टू हिस्टोरिकल रिसर्च एंड टू एनकरेज एंड फॉस्टर द ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक राइटिंग ऑफ द हिस्ट्री। किस लिए किया जा रहा है ये काम, ये काम इसलिए किया जा रहा है जिससे कि हम हिस्ट्री की भी साइंटिफिक राइटिंग कर सकें। ठीक है, साइंटिफिक राइटिंग का मतलब ये नहीं कि आपका हिस्ट्री साइंटिफिक सब्जेक्ट नहीं है, हिस्ट्री भी एक तरह से अगर हम देखें तो हिस्ट्री भी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें भी सारी चीज़ हम साइंस के हिसाब से ही कर रहे हैं कि आपका पूरे जो एक सीक्वेंस बना दिया गया है, एक सीक्वेंस में सारे काम किए जा रहे हैं। ठीक है ना, एक सीक्वेंस में ही सारे काम इसमें किए जाएंगे, और उसको ये चीज़ें सारी इसमें ऐसी हैं कि हम इनको आराम से प्रूव कर सकते हैं, इसलिए क्या है ये भी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। नेक्स्ट, गुरु रविदास। ठीक है, रविदास जयंती सेलिब्रेटेड ऑन माघ पूर्णिमा। रवि जो माघ में जो पूर्णमासी आपकी आती है, फुल मून डे जो होता है, उस दिन आपकी रविदास जयंती मनाई जाती है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। ठीक, गुरु रविदास वॉज दी 14th century सेंट एंड रिफॉर्मर ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन द नॉर्थ इंडिया। इट इज़ बिलीव दैट ही वॉज बॉर्न इन वाराणसी इन द कॉबलर्स फैमिली। एक मोची के परिवार में इनका जन्म हुआ था और ये 14th century के भक्ति मूवमेंट के एक अच्छे पोएट माने गए हैं। ही उन्होंने अपनी लाइफ पूरी अपनी जो पूरी लाइफ है वो किसके लिए डेडिकेट कर दी थी, कास्ट सिस्टम के लिए डेडिकेट कर दी थी इन्होंने, और जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी है उसके ये अपोज थे। मतलब कि जो कास्ट सिस्टम था ये आर्या, ये जो आपका कास्ट सिस्टम था उसके ये अपोजिट काम करते थे, इनको ये कास्ट सिस्टम पसंद नहीं था। ठीक है ना, वर्णा सिस्टम जिसको हम कहते हैं वो इनको पसंद नहीं था। हीज डिवोशनल सॉन्ग मेड एन इंस्टेंट इम्पैक्ट ऑन द भक्ति मूवमेंट। उसने जितने भी इन्होंने जितने भी अपने भक्ति मूवमेंट में अपने भक्ति गाने गाए वो उन्होंने काफ़ी ह्यूमन की लाइफ पे बहुत असर डाला, और ये अकेले ही ऐसे एक पोएट हैं जिनके 41 पोएम्स को गुरु ग्रंथ साहिब में रिलीजियस गुरु ग्रंथ साहिब में छापा गया। ठीक है, अटकल पोंगला। ठीक है, अटकल पोंगला क्या है, ये आपका जो है ना अटकल पोंगला, इसमें लार्जेस्ट गैदरिंग, ये एक फेस्टिवल है, ये एक फेस्टिवल है। ठीक, जिसमें अभी जिसने अभी रिसेंटली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, इन 2019 अटकल पोंगला एंटर द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ड्यू टू द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ द वुमेन फॉर द फेस्टिवल। अब तक इससे ज़्यादा वुमेन्स किसी फेस्टिवल में गैदर नहीं हुई थी।
ठीक। तो इसने अपना क्या बनाया, अपना अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। इन अटकल पोंगला इज हेल्ड इन दी अटकल टेम्पल तिरुवनंतपुरम केरला, कहाँ पे किया जाता है, केरला। पोंगला मीन्स टू बॉइल ओवर, ठीक, बॉइल ओवर। अब किस चीज़ को ये बॉइल करते हैं, राइस, जैगरी, कुक टुगेदर, ऑफर एंड ऑफर इट टू दी गॉडेस और दी भगवती, ठीक है, भगवती को ऑफर किया जाता है ये, ठीक। द रिचुअल्स कैन ओनली बी परफॉर्म बाई दी वुमेन, ये एक ऐसा रिचुअल है जो वुमेन्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कल्चरल हेरिटेज यूथ लीडरशिप प्रोग्राम, ठीक है। कल्चरल हेरिटेज यूथ लीडरशिप प्रोग्राम जो है ये किस लिए चलाया गया, ये भी हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशंस को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया, जिससे कि यूथ के अंदर जो है हमारे यूथ के अंदर कल्चर, हमारे ट्रेडिशन के लिए और कल्चर के लिए नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद या फिर प्यार उनके लिए डेवलप कर सके, उनको हमारे कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें, ठीक है। ये जो इनिशिएटिव चलाया गया था, ये जो प्रोजेक्ट चलाया गया, ये भी किसके अंडर, किस लिए चलाया गया था, ये चलाया गया एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन के अंडर में चलाया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या है ये, कि हम पूरे भारत को एक साथ जोड़ के देखना चाहते हैं, पूरे भारत को एक साथ लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारा कल्चर और ट्रेडिशन पहले ऐसा था, अब ऐसा है, और हमें एक दूसरे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छी बॉन्डिंग हम एक दूसरे स्टेट से, एक दूसरे के ट्रेडिशन से बना सकें। सपोज़ दैट कि मैं यूपी का हूँ, ठीक है, या फिर मैं दिल्ली का हूँ, या मैं पंजाब का हूँ, तो मैं यूपी की और दिल्ली के ट्रेडिशन से, कल्चर से वाकिफ़ हूँ, ठीक है, या फिर मैं पंजाब का हूँ तो मैं पंजाब के ट्रेडिशन एंड कल्चर से वाकिफ़ हूँ, लेकिन मैं जो है दिल्ली और यू पंजाब का होने के बाद मैं दिल्ली यूपी के ट्रेडिशन से वाकिफ़ नहीं हूँ, या महाराष्ट्र के, अरुणाचल प्रदेश के ट्रेडिशन से वाकिफ़ नहीं हूँ। तो इसलिए मैंने कि ये जो ये चलाया गया, इसलिए चलाया गया कि हम एक दूसरे के ट्रेडिशन को जान सकें, हम एक दूसरे के ट्रेडिशंस को समझ सकें, ठीक है, ठीक। ये भी किसके अंडर में चलाया गया, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में चलाया गया। इट्स ऑब्जेक्टिव टू जनरेट एनरिचिंग अवेयरनेस ऑफ द इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज अमंग द यूथ इन द ऑर्डर टू प्रमोट दी प्रमोट अंडरस्टैंड डेवलप ए फॉन्डनेस फॉर विच फॉर इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज, हमारे इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को यूथ तक पहुँचा, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ तक पहुँचाने के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया। सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग CCRT इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है ये कि कल्चरल हेरिटेज यूथ लीडरशिप प्रोग्राम किसके अंडर में काम कर रहा है, कल्चरल रिसोर्स ट्रेनिंग, ठीक है, या फिर कौन इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, कल्चरल एंड रिसोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इसके लिए जिम्मेदार है। इट्स मेन थ्रस्ट इज टू मेक द वैरायटी ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इन सर्विस टीचर्स, टीचर्स को, एजुकेटर्स को अच्छी से अच्छी एजुकेशन और उनको कल्चरल डाइवर्सिटी बताने के लिए ये काम आता है। इट्स फंक्शन एज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, किसके अंडर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कल्चर के अंडर में, ठीक। सी इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव, ठीक है, इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपको ढूंढनी है, पूछनी है, ठीक, कमेंट में आप पूछ सकते हैं या फिर मैसेज आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल नेशनल इम्पोर्टेंस। अब ये मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस क्या है, राष्ट्रीय राष्ट्र के लिए जो जरूरी हैं उन मोनूमेंट्स के बारे में हम यहाँ बताएंगे, कौन कौन से मोनूमेंट्स। सबसे पहले हाई कोर्ट बिल्डिंग ऑफ नागपुर, ठीक, किसने डिक्लेयर किया ये मोनूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, ठीक। निमराना बाउरी राजस्थान, बाउरी क्या होती है, बाउरी होती है एक आपका सीढ़ियों वाला कुआ, ये होता है सीढ़ियों वाला कुआ, जिस कुएँ में सीढ़ियाँ बनी होती है उसको हम बोलते हैं बाउरी, ठीक है। द निमराना स्टेपवेल ऑल्सो नोन एज रानी की बौली इन दी लोकल लैंग्वेज वॉज बिल्ट अप इन दी 18th century वॉज ठाकुर जनक सिंह, किसने बनाया था, ठाकुर जनक सिंह ने बनाया था रानी की बौली जो बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है रानीपुर झारियाल उड़ीसा, ठीक। दिस साइट वॉज फेमस फॉर दी 64 योगिनी टेम्पल्स ऑफ और द टेम्पल्स विदाउट रूफ, ठीक। 64 योगिनी टेम्पल्स कौन से हैं, 64 योगिनी टेम्पल वो हैं जिनके ऊपर छत नहीं थी, सिर्फ पिलर्स और दीवारें खड़ी कर दी गई थी और उनको मंदिर का दर्जा दे दिया, नोन एज दी हाइपर थ्रल टेम्पल्स, ठीक है। विष्णु टेम्पल उत्तराखंड, ये भी आपका एक नेशनल इम्पोर्टेंस का ही हेरिटेज है, ठीक। हाथी खाना आगरा, हाथी खाना इज द गेट वे विच वॉज द एंट्री पॉइंट टू द एरिया वेयर एलिफेंट्स वर कैप्ट, ठीक है। हाथी खाना क्या था, एक ऐसा एरिया था जहाँ पर राजा महाराजा या फिर मुगल एम्प्रेस अपने हाथियों को रखते थे और ये उसका एंट्रेंस था हाथी खाना जो था।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जैसे आज के टाइम में भी हम देखते हैं ना हाथी, हाथी खाना, या फिर ये कह देते हैं कि हाँ भाई बहुत बड़ा हाथा बनाया हुआ है उस बंदे ने, ठीक है, क्या है वो हाथा? वो हाथा वही है कि जहाँ पे बहुत सारे लोगों को हम एकोमोडेट कर सकें आज के टाइम में अगर हम देखें तो। ये हाथी खाना उस टाइम बनाया गया था जो जिस जगह हम हाथियों को रखते थे वहाँ की जो एंट्रेंस थी वो काफ़ी बड़ी होती थी, इसलिए तो आज भी कहा जाता है कि जिस जो जगह बहुत जिसका एंट्रेंस बहुत बड़ा होता है कि बहुत बड़ा हाथा बना हुआ है, ठीक है। आप अपने एरिया में भी अगर कहीं देखेंगे तो कोई ना कोई आपको लोकल लैंग्वेज में ऐसे बोलता हुआ मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा हाथा बना हुआ है। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम पहले से काफ़ी पढ़ते हुए आ रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इट इज़ एन अटैच्ड ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ASI वॉज फाउंडेड इन 1861, इसको इंपॉर्टेंट आप मार्क करेंगे, कब फाउंड की गई थी? 1861 बाय द अलेक्जेंडर कनिंगम हु बिकेम इट्स फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। ये आपका इंपॉर्टेंट है कि पहला ASI का पहला डायरेक्टर जनरल कौन था? अलेक्जेंडर कनिंगम हु बिकेम इट्स फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, ठीक। नेक्स्ट है आपका गांधी पीस प्राइज, गांधी पीस प्राइज इज नॉट अवार्डेड पोस्थमसली, पोस्थमसली मतलब मरने के बाद ये नहीं दिया जा सकता, जो लोग जिंदा हैं हम उन्हीं को ही इसमें देख सकते हैं। इन चीज़ों को आप साथ में नोट करके चलें जिससे कि आप भूलें ना, मरने के बाद नहीं दिया जा सकता, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ठीक। द जूरी इंक्लूड्स, अब इसकी जूरी में कौन कौन आया था? जूरी इंक्लूड्स PMS चेयरमैन एंड कंप्राइजेस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा एंड टू अदर एमिनेंट पर्सनैलिटीज, ठीक। किस किस को ये अवार्ड दिए गए? योइया ससाकावा 2018 में लेप्ररी इरेडिकेशन में इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, एकल अभियान 2017, ठीक है, अक्षय पात्रा फाउंडेशन मिड डे मील्स, सुलभ इंटरनेशनल 2016, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी 2015, रूरल डेवलपमेंट, रूरल एजुकेशन डेवलपमेंट नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। अभी 5 मिनट का हम रेस्ट लेके इसे फिर से अभी करेंगे, ठीक है।